हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियो व्लॉग चैनल। कैसे हो गाइज? आप सो हो सो आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, घर के थोड़े ही साइड में जहाँ पे हमारा बगीचा है, वहाँ से कर रही हूँ। घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट की दूरी पे है, तो वहाँ से कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर रही थी, तो मुझे याद आया यार मैं ब्लॉग भी साथ में शूट कर सकती हूँ। देन मैंने सोचा यार कैमरा ही उठा लूँ, और वैसे भी मैं अकेले हो गई थी बिकॉज मेरी जो सिस्टर है, जो अंजू है, वो गई ही है शिमला। थोड़ा सा उसका ना, मतलब कि हाथ का ये जो है अंगूठा ना, टूट गया है, तो उस रिगार्डिंग गई है शिमला डॉक्टर को बताने। और जो मेरी दो सिस्टर है, पूजू और मानवी, वो गए हैं शादी को गए हैं दुल्हन के साथ। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे अकेले बोरी हो गई थी। और मेरा भाई नीचे उधर गया है, यहाँ से नहीं दिखेगा, मतलब इस साइड नीचे गया है, और मेरे को वहां से बोल रहा है चल काम कर, ऐसे करके बोल रहा है। मतलब कि बहुत ज्यादा शरारती यार, सौरभ ऊपर आ जाओ, ऐसे बोल रहा है, नहीं आना, चुप रहे बोला। तो अभी मैं भी कर लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, बिकॉज यहाँ पे हमने वो नहीं होते, मतलब लाइक छोटे छोटे पेड़ लगाने, पार्टी टाइप, जो जिससे पेड़ बनता है, फिर वो सारी चीजें, ये हमारे रोड के पेड़ है यहाँ पे, यहाँ उधर भी, मतलब आगे तक लगाए हैं काफी सारे। तो अभी मैं काम कर लेती हूँ। गाइस अभी आ गया सौरभ ऊपर। क्या कर रहे हो सौरभ, कैसे हो आप, ये बताओ गाइस को। ये इतना फोटो खींचता खिंचवाता है ना, लिटरली बता रही हूँ। ऐसे वैसे करेगा, ऐसे करेगा, अंडर साइड जाएंगे हम दोनों यार, ऐसी गंदी हरकतें। ये पता है, ये ना गाइस एसवीएम स्कूल, कौन सा स्कूल है, एसवीएम में पढ़ता है, तो वहां के बच्चे इतने गंदे होते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ यार, इतने गंदे हैं, किसी के अच्छे होते हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, इसको हमने सर पे चढ़ा के रखा, इकलौता भाई करके ऐसा है ना सौरभ, सौरभ गंदी बात। और पता है ये ना गाइस मेरे को दीदी भी नहीं बोलता है, प्रिया बोलता है। तो गाइस इसकी बेइज्जती कराना प्लीज, मम्मी भी लग गई, बेइज्जती कराओ इसकी गाइस, प्लीज प्लीज। हंसने लगना सारे, साइड साइड पर 2.5 डिग्री का साइड, चल निकल मेरी गोदी से, नहीं निकलूंगा, निकल जा मेरी मर्जी, कैसी मर्जी, चल निकल निकल साइड, प्लीज निकल जा गाइस, प्लीज सीरियस मत हो जाना, हम भाई बहन ऐसी बात करते हैं कि हाँ आपने क्या संस्कार दिए छोटे बच्चों को। तो तू मेरी बड़ी बहन है, नहीं मैं छोटी लगती हूँ क्या, बिहेव तो आप ऐसे कर रहे हैं, काफी अच्छा बच्चा है, हम काम कर लेते हैं। मम्मी पूरे बोलो, सारे साइड हो, वर्क करने जा, फिर आती थी कुछ भाई याद नहीं, जा 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 जा, ये देखो भाई इसके गाने, अरे इसकी हरकतें देखो, कोई कसम से ये ना बहुत ही शरारती, बहुत ज्यादा। और इसको हमने इतना सर पे चढ़ा के रखा ना, बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा के क्यों रख रहा, मासी को दबता। कार्टून की तरह काम करते हैं यार, अभी मम्मी कर रहे इधर दिख रहे होंगे मे बी, ये लगाने हैं हमने यहाँ पे, इसको बोला जाता है गाइस पाल्टी, मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब कि पौधे होते हैं ये, इसमें कलमे वगैरह की होती है, फिर ये पौधा तैयार होता है। वो शिट, ये देखो हमने इतने सारे लगाने हैं ताकि हमारे रूट के पौधे तैयार हो सके गाइस, फिर जिसको चाहिए वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, जिसको सेब के पौधे चाहिए लाइक इस तरह के,
मम्मी कितने रुपए एक? हाँ 100 रुपए एक पौधा। और यहाँ पे लगा है ये, इसको बोला जाता है गाइस नींबू, बहुत ही प्यारा है। और इसको देखो शाकिर, गुड़ देता है। किसने बोला है कि गुड़ देता है? गुड़ देवता, गुड़ देवता नहीं करते ऐसी एक्टिंग, ठीक है? गाइस अभी जा रहे हैं हम घास लाने, ऊपर हमने काम कर लिया डन। और मैं बताती हूँ आपको, ये देखो हमारे मटर लगे हैं। क्या दिया मैं गुड़ता सी ये बाबू किसी से काम नहीं है। मैं दिखाती हूँ मटर ये देखो इतने सारे मटर लगे गाइस। गाइस मतलब जब ब्लॉग में आएगा ना तो ऐसे ही बकवास बातें करेगा और एक्टिंग करेगा। क्यों? मैं जा रही हूँ घास लाने। ओके ए मम्मी चल निकल, नीचे निकल, मैं चल निकल, नीचे निकल, चल नीचे। इसको छोड़ के मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा शरारती है यार, हद से ज्यादा। जब से सौरभ आप स्कूल गए हो ना, इतने बदतमीज हो गए ना, मैंने आपसे पहले आपसे बात नहीं करनी है। पता है गाइस आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी स्कूल बोलते ना तू मेरा भाई नहीं है, अगर इसके पास कुछ भी चीज होती है कि तू मेरा भाई नहीं, एकदम से दे देता बंदा, एकदम से बोले ले 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 ले, ऐसे होते हैं। मतलब एक चीज बोलना चाहूंगी, वो मतलब काफी सारे बोलेंगे ऐसा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, बट मेरा मानना है जहां तक मैंने देखा है, जो रियल ब्रदर है ना वो रियल ही है भाई। जो चाहे हम जितना मर्जी लगाव रखे ना दूसरे से, वो मतलब मेरा मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है ना, वो उतना नहीं होता है। जैसे अब देखो यार रियल ब्रदर का क्या है, हम इतना लड़ते हैं 5 मिनट बाद यूं ठीक हो जाएंगे। और जो ऐसे ब्रदर होते रियल नहीं होते, होते बहुत क्लोज होते हैं वो हार्ट के, बट उनके साथ हम लड़ेंगे ना तो वो नहीं हमारी फीलिंग को समझे, वो नहीं आएंगे 1-5 मिनट बाद मनाने। बट ये इतने मतलब बहुत ही मतलब पहले मैं प्रे करती थी जब हमारे नहीं था ना भाई, तो मैं डेली मांगती थी भगवान जी हमें भी दे दो भाई, अब है तो मजे आते हैं लिटरली। मतलब फुल फैमिली, अब टेंशन नहीं है। पहले बड़ी होती थी यार भाई चाहिए था, अभी भी मतलब मेरा काफी टाइम अभी भी होता है कि यार मेरे को बड़ा भाई चाहिए, मेरे को बहुत पता है। मैं सारे लड़कों को ना भाई बोलती रहती हूँ, इसीलिए मतलब मैक्सिका ही बोलते हैं नहीं मैं आपका भाई नहीं हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है तब, क्योंकि मेरे को बड़ी भाई की हमेशा से वो रही है कि मेरा एक बड़ा भाई होता। अगर होता ना, लिटरली बता रही हूँ, मतलब मैं तब बाइक में घूम रही होती, पता नहीं कहाँ कहाँ हम घूम रहे होते मैं और मेरा भाई। बट छोटा भी अच्छा है, भगवान ने जो दिया अच्छा ही दिया। तो पूजा, ओ माय गॉड, नीचे ना पूजा भी आ गई है, यहाँ से नहीं दिखी गई आपको गाइस, यहाँ सड़क में निकलेगी बंदर गई कि ये गई थी अपनी मासी के घर, अभी नहीं दिखेंगे। मैं आई हूँ घास को और मैंने काफी ब्लॉग भी कर लिया, काफी मतलब 5-6 मिनट का तो हो ही गया होगा। अब इसलिए बात है तो अभी घास निकाल लेती हूँ, गाय को 3-4 नोटिया बोला जाता है। नीचे निकल गई पूजा, अब पीछे छुप गई गाई, फिर नहीं आती है ब्लॉग में। और ये ऐसे ले जाऊंगी मैं, ये निकाल के 3 ही ले जाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं ले जाऊंगी क्योंकि 3 काफी है। फिर मम्मी ने हरा घास पिलाया ना गाय को तो करके। और गाइस ये व्लॉग भी काफी हो चुका क्योंकि इसमें मेरे और भाऊ की मतलब हम अगर मैं बात करूँ मेरे ना मतलब सौरभ नहीं बोला, मैं भाऊ बोलती हूँ ज्यादा इसको क्योंकि छोटा है, तो हमारे यहाँ पे भाऊ बोलते हैं छोटे को, आपके यहाँ पे कई के यहाँ पे बेबी बोलते हैं, जैसे लड़के उनको बेबी बोलते हैं तो हमारे यहाँ पे भाऊ बोलते हैं। आप भी मुझे बताना कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो अभी तो मैं चलती हूँ घास को लेके और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आपको थोड़ा सा छोटा सा ये व्लॉग ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी मेरी भाव की मतलब सौरभ की। और हमारी वीडियो को ढेर सारा लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।